Hi you guys, welcome or welcome back to my channel and also good morning. So अभी आप लोग देख सकते हो, पता चल ही गया होगा मेरे आज से कॉलेज खुल रहे हैं. एक्चुअली कल से ही खुल गया था. घर पे बैठे बैठे पता नहीं कब एक महीने गुजर गया. ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल जाने का मन नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी है. बट 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, सो वी हैव टू गो, देयर इज नो अदर ऑप्शन. देखते आज क्या कुछ होता है. कॉलेज पहुँच कर आप सबको भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, व्लॉग हो पाया तो. आज प्लस योगा भी है हमारा, प्रैक्टिकल बचा है आज सेकेंड सेम का, सो वो करेंगे शायद से. और एक हैंगी भी लेके जा चुके यार, फेस में इतना पसीना आता है ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते. सबसे ज़्यादा मेरे को ही फेस में पूरा पसीना आता है. चलो मिलते हैं पहुँच कर. गाइस ये देखो, क्लास में नहीं आए, सीधा ऑडिटोरियम आ गए योगा करने के लिए. और ये भीड़ देखो. आर यू रेडी? नहीं, पर मुझे मजबूरी में करना. सूर्य नमस्कार. थैंक गॉड ये फैन तो चल रहा है एटलीस्ट. हमको तो लगा था ये भी नहीं चलेगा बोल के. गाइस एक महीने के बाद कॉलेज बुलाया और हमको ये झटका दे दिया, सीधा गर्मी में योगा करो. कैसा लग रहा है एक महीने के बाद आकर कॉलेज? मुझे मिलके अच्छा लग रहा है. ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है. एग्जाम में कौन ताली बजाता है? गाइस हम लोग का कॉलेज का ये इग्नोर कर रहे हैं तो ताली बजा दो, हल्ला कर दो, इग्नोर हो जाएंगे अपने आप. इन लोग का अलग ही चल रहा है. 3 4 यहाँ पे योगा हो रहा है और ये सीरियल देख रही है. मम्मी की तरह सीरियल देख रही है, कहीं हमारा अनुभव छूट ना जाए. बहुत ही फ्लेक्सिबल है नी, तो कैसे बनी है ना. घर कॉलेज से और हमारे कॉलेज के बाहर ना बहुत सारे, मतलब दुनिया भर के फूड स्टॉल से आपको जो खाना है, खट्टा मीठा मतलब सब कुछ का दुकान है. ये पूरे हमारा ये जो तेजपुर एरिया में हमारा कॉलेज के बाहर जितना खाना कहीं नहीं मिलेगा. दरंग कॉलेज अगर कोई तेजपुरियन देख रहा होगा तो उसको पता ही होगा सब कुछ है. ज़्यादातर पानीपुरी अट्रैक्ट करता है ना, वो पानीपुरी का ठेला देखते ही वो मन में लालच आ जाता है और कंट्रोल नहीं होता है, मतलब खींच लेता है वो. तो मेरे को भी ऐसा ही हो रहा था. एक महीने तक तो बाहर का कुछ नहीं खा रही थी क्योंकि घर में ही थी, लेकिन आज जब मैं गई तो ठेला ने मेरे को बुलाया, मन में लालच आ रहा था, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया. मैंने बोला कि मत सोचो उसके बारे में, मत देख उधर, बस घर जा, चुपचाप हट जा. ऐसे बोलते बोलते आ गई मैं घर. और अभी इतनी बेशर्म हुए, मेरे को इतना खाने का मन कर रहा है तो मैंने सोचा कि घर में बना के खाऊंगी. पता है कि अनहेल्दी है बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो घर का इज़ फार बेटर देन बाहर का. अनहाइजीनिक नहीं होता है, सो इसीलिए आई एम गोइंग टू मेक गोलगप्पा अभी बनाऊंगी एंड आप लोग देखना रेसिपी, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने 6 से 7 आलू बॉईल कर लिया था, आलू का जो मिक्सचर है वो बनाने के लिए. और साइड में काले चने जो होते हैं वो भिगो के रख दिया था क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है उसमें डाल के खाने के लिए. वैसे तो ये हम एक रात पहले भिगो के रखते हैं ना ओवरनाइट, तभी अच्छे से भीगता है. लेकिन अगर आप इसमें गर्म पानी से रखते हो, अगर आपको जल्दी चाहिए तो 1-2 घंटे में आराम से गर्म पानी में ये जो है हो जाता है. तो जब तक आलू बॉयल हो रहा था मैंने उसमें प्याज, ये काले चने, हरी मिर्च सब कुछ काट कर साइड में रख दिया था. और ये बॉईल हुआ तो इसको पूरा अच्छे से मैश करके इसमें सब ऐड कर दिया और मैंने लेमन भी छिड़क दिया उसमें. खुद बना के खुद टेस्ट कर रही है, मुझे तो करवाया कम से कम टेस्ट. तो मैं टेस्ट कर रही थी कि नमक वगैरह सही से लगाएगी नहीं, तो मम्मी को भी करा दिया. और गाइस आप लोग प्लीज़ ये मत सोचना कि ये जूठा खा रहे हैं फिर वहीं पे डाल रहे हैं. एक्चुअली हम 3 ही खाएंगे ना सिर्फ, बाकी कोई तो है नहीं घर में, तो हम लोग तो जूठा खाते ही है ऑब्वियसली, तो इसीलिए. और अभी मैं बना रही हूँ पानी जिसमें खट्टा मीठा तीखा सब एक ही में बन गया था क्योंकि हमारे पास इमली नहीं था और बिना इमली का पानी बहुत अधूरा लगता है. लेकिन मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि मैंने कैसे बनाया विदाउट इमली. पहले तो मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया पुदीना, धनिया, सूखी मिर्च और उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया. नींबू भी निचोड़ दिया क्योंकि
खट्टा तो चाहिए ही था। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला ये दो पैकेट जलजीरा का, अगर आपके पास आमचूर है तो वो ऐड करो, बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम मज़ा आ जाता है उस चीज़ से, लेकिन हमारे पास नहीं था तो इसीलिए ये ऐड कर दिया मैंने। जुगाड़ू टाइप्स, सब कुछ जुगाड़ू से ही चलता है यार, ज़िंदगी जुगाड़ है बस। मेरा स्पेशली आप देखते हो ना व्लॉग, हर चीज़ में जुगाड़ी करती रहती हूँ भाई प्रियंका, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, बस लास्ट में वो अच्छा टर्न आउट होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये पानी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत सही। फिर लास्ट में मैंने बनाया पूरी, जो कि रेडीमेड मैंने दुकान से ख़रीद के लाया था, और वो बस आपको गर्म करके तेल में डाल देना है, ये अच्छे से अपना शेप ले लेगा। अगर आप घर में बना रहे हो तो भाई साहब, मैंने बहुत बार ट्राई किया है घर में बनाने का, वो अच्छे से फूलता नहीं है, क्रिस्पी भी नहीं होता है, और काफ़ी मेहनत लगती है, एक घंटे तो आपको ये बनाने में ही लग जाता है, पहले आटा गूंदो, डो बनाओ, ये करो वो करो, तो इट्स बेटर कि मार्केट से ख़रीद के लाए। एंड टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको आँखों के सामने अपने हाथों से सही से करना है तो ताज़ा भी होता है ना घर में बनाया हुआ, तो कर सकते हो, लेकिन इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मुझे इतना लंबा प्रोसेस करने का मन नहीं था इसीलिए मैं ये लाई, अदरवाइज तो मैं घर में ही बनाती हूँ। ये देखो कितना क्रंची और क्रिस्पी हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये रहा आलू का मिक्सचर, ये पानी और ये पूरी। सच्ची सच्ची बताओ, आप सबको खाने का मन कर रहा है कि नहीं देखकर? लास्ट वन। अब सबने मेरा ASMR प्लस मुकबांग भी देख लिया, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। आप सबको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड मम्मी पापा की तरफ से भी ये गोलगप्पा 10/10 था। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।